नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। एमवी कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन हमले और लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हमले के मामले में भारत सरकार ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमलावर को पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत कुछ लोगों को चुभ रही है। वहीं कैंप प्लूटो और साईं बाबा दो भारतीय जहाजों पर हमले हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिन्होंने भी इसे अंजाम दिया है उसे सागर की गहराई से भी निकाल लाएंगे और उसे सबक जरूर सिखाएंगे, जवाब देंगे। वहीं मंगलवार को मुंबई में INS इंफाल के कमीशनिंग समारोह में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में नौसेना के जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है और भारत यह सुनिश्चित करेगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार नई ऊंचाइयां हासिल करे। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने बताया कि कमर्शियल शिप्स पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 4 विध्वंसक शिप तैनात किए गए हैं, जिसमें P-8I विमान, डेरनियस और सी गार्डियन और हेलीकॉप्टर और तटरक्षक पोत संयुक्त रूप से शामिल हैं।